हसन भाई बड़े सख्त मिजाज के हैं, तो गुजारा कैसे कर लिया आपने? समझ लिया इनको कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, इनका रिमोट हमारे हाथ में आ गया। ये रिमोट ईजाद कैसे किया? वो देख देख के समझ में आता है ना, कहाँ कहाँ से किधर किधर कैसे कौन कौन सा बटन दबाना ये समझ आ गया। साल की मेहनत है। अच्छा, तो इब्तिदा में तो बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी। बल्कि इब्तिदा में मतलब बेहतर थे, ठीक से सारी बात। इन्होंने शायद समझाया कि जी नए नए हैं खातून, तो इनको तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। घर में हुक्मरानी किसकी है? आपके घर में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप? ओवरऑल हुक्मरानी किसकी है? वो तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का हमें पता है उनके पास जो इख्तियारात होते हैं। आपकी बड़ी आइडियल लाइफ है ना, आपकी सास है ना ससुर, ना नंद है, ना देवरानी ना जेठानी। देवरानी मेरी है लेकिन वो तो खैर छोटी, लेकिन इन सब की जरूरत नहीं है, सारी कसर इधर से पूरी होती है। अच्छा, सारे करेक्टर कर लेते हैं जी, पूरे सब बता करते हैं। हमदा बेटा, आपने मैस कॉम की डिग्री मुकम्मल कर ली है, इंटर्नशिप आपने ISPR से की है, कैसा तजर्बा रहा? इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली वहाँ पे मीडिया से रिलेटेड लर्निंग ज़्यादा थी, प्रैक्टिकलिटी वाइज हो या थेरेटिकल वाइज हो। और जहाँ तक रहेगी बात ISPR की इंटर्नशिप की, तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर था। मीडिया की तालीम आप बाबा की लेगेसी को लेके आगे चलना चाहती हैं? एक तो वो चीज़ भी हो गई, बट पर्सनली इट वाज माय ओन इंटरेस्ट। क्या बनना चाहती हैं? वेल राइटर, प्लस अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स। इतने खूबरू हैं, स्मार्ट हैं, क्या कोई हीरो शीरो बनने का इरादा है? नहीं नहीं, सारे कहते हैं मैं इन्हीं पे गया हूँ जब ये थोड़े से जवान थे। वो तो नहीं बने ना हीरो अब। थोड़े से जवान। क्या इरादे क्या हैं आपके? CSSE करना। हाशिम यार, सुना है आपने अपने रूम को जो है वो लेबोरेटरी बना रखा है, करना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं, वैसे अच्छा लगता है ऐसे काम। तो क्या वो खाड़ पछाड़ करते रहते हैं आप? मैं स्ट्रीमिंग और मैथ। आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट एक ही है, वैसे इंग्लिश है, लिखना में ऐसे वगैरह लिखना में मज़ा आता है। ये कॉमन चीज़ सारे बच्चों में है कि सारे लिखना चाहते हैं। अल्लाह का करम है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट फादर। जी इब्ने सहरा आ जाओ यार, आप माँ आप अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। हसन भाई वसा के मार दे तुसी। हसन भाई, आप बड़े नफासत पसंद हैं, जहाँ चीज़ पड़ी होती है आपकी कोशिश होती है कि इधर उधर ना हो, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, और इसमें नफासत पसंद ही नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान कायनात का, यूनिवर्स का बिहेवियर जानता है जी। यहाँ हर चीज़ अपने अपने ठिकाने पर है, सूरज ने तुलू होना है, गुरूब होना है। अब खरबों सालों में सूरज अगर एक दिन ही कह दे एक हफ्ता मैं ज़रा छुट्टी पे जा रहा हूँ, तरम बरम हो जाएगी ना कायनात। ठीक है, ज़िंदगी सवाए डिसिप्लिन के मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बच्चों के लिए भी है ये काबिले गौर, कि इंसान की अगर आँख 1/4 of an inch ऊपर नीचे हो जाए, होंठ 1/6 of an inch इधर उधर हो जाए, तो मार्लन मैनरो भी क्या लगेगी, वो चेहरा डरावना हो जाएगा। आप बेसमेंट के मकीन हैं, क्या बेसमेंट में रहने से कोई खास किस्म की फीलिंग्स आती हैं? ये कब्र में जाने की तैयारी है, बेसमेंट इज ये यानी रिहर्सल समझ लो आप। ठीक है, दूसरा ये एक पुरसरारियत सी है। मैं वैसे भी ना खिलवत पसंद आदमी हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं, चंद करीबी दोस्त जिनसे प्यार मोहब्बत हो, मेरी फैमिली है, अदरवाइज मैं आपको पता है मैं सोशलाइज नहीं करता, मिलता नहीं हूँ, आता जाता नहीं हूँ। वह एक छोटी सी दुनिया है, उसमें
मैं मेरी किताबें तो बस